कश्मीरी युवक की पिटाई, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलवामा हमले और वायुसेना द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ किए गए एयर स्ट्राइक के बाद भारत में कश्मीरियों के खिलाफ आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला राजधानी लखनऊ का है, जहां डालीगंज पुल पर ड्राई फ्रूट बेच रहे कश्मीरी दुकानदार के डंडे से पिटाई की गई है। इस मामले में पुलिस ने फिलहाल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह मामला एक वीडियो के वायरल होने के बाद सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो लखनऊ के डालीगंज पुल का है। वीडियो में फुटपाथ पर कुछ कश्मीरी दुकानदार ड्राई फ्रूट बेचते दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच दो भगवा धारी पहुँचते है और उनसे पूछने लगते है, कहाँ से हो? कश्मीर से हो? दुकानदारों से आई कार्ड मांगते हैं और उनकी पिटाई शुरू कर देते हैं। कश्मीरी दुकानदारों की पिटाई होते देख मौके पर लोग बीच बचाव करने के लिए पहुंच गए थे। कुछ लोग यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इन्हें मत पीटो, पुलिस को बुला लिया है, इस मामले को पुलिस देख लेंगी। तभी भगवाधारी उन युवकों को पीटते रहते हैं। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और पुलिस इस मामले की पूरी जाँच कर रहे हैं। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।